आज एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर खुल के बात होगी और मैं समझता हूं कि आज की बातचीत, वैसे तो हर दिन की बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज की बातचीत सहारा निवेशकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और वही सब लोग बता सकते हैं कि इसमें सच्चाई कितनी है। एक और वीडियो मैं आज आपको दिखाना चाहूंगा, ये 10 साल पुराना वीडियो है और मैं हैरान हूं कि कुछ लोग बिना किसी जानकारी के जो कहा गया होगा सहारा की तरफ से वो बोलने के लिए वो बोलना शुरू कर दिए थे और उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के एक शख्स हैं, उनका नाम हुआ करता था अरिंदम चौधरी, आज भी हैं वो, और कई बार उनके ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ा, बहुत सारी चीजों का छापा पड़ा, ईडी वगैरह भी गई होगी क्योंकि वो भी शायद बहुत सारे ब्लैक ऑपरेशंस में शामिल हो गए थे। तो माननीय कन्हैया साहा जी ने आज मुझे वो वीडियो भेजा है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो समय है नेटवर्क उसी पर बहुत साफ कोई से इस मुद्दे पर बात हो रही थी। अभी बिल्कुल ये बात तो सही है, जहां तक मीडिया की बात है मीडिया कभी बायस नहीं रही, ये मैं पूरी ईमानदारी से कह सकता हूं कि सहारा समय का जो टेलीविजन चैनल है वो कभी भी किसी पक्ष में खड़ा रहा और किसी का विरोध करता रहा, जिस तरह से आजकल हो रहे हैं ऐसा कभी नहीं रहा। बहुत ही निष्पक्ष पत्रकारिता सहारा समय के टेलीविजन ने की है और ये कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज के दौर में समय की हालत थोड़ी सी अच्छी नहीं है और इसको लेकर के हमें भी दुख है, बाकी लोगों को भी दुख होता है, हमें तो बहुत ही दुख है, हमें क्यों दुख है ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है। अरुण वर्मा कर रहे हैं, आशुतोष जी नमस्कार, नमस्कार नमस्कार, चौबे साहब नमस्कार आपका। तो आज दो बातों पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, एक तो जो हमारा आज का टाइटल है 6-6 लाख रुपए कैश दिए गए, बल्कि कुछ तो यहां तक कह रहे हैं कि 50 लाख तक का भी कैश दिया गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये आप ही लोग बताएंगे। कैश दिए गए, डेबिट क्रेडिट कंप्यूटर में हो गया और वो पैसा मैनेजर ने रख लिया और मैनेजर ने कोई गलती से नहीं रखा, वो मैनेजर का बनता था तो वो पैसा खुद ही रख लिया। उधर निवेशक का ये हुआ कि भाई निवेशक का क्रेडिटेड सो हो गया, डेबिटेड सो हो गया और इधर क्रेडिट हो गया कि भाई आपको पैसा मिल गया जिनको मिलना था, जो कंपनी के मैनेजर थे। मान लीजिए कि चौबे साहब को कंपनी के मैनेजर हैं और उनको कंपनी को 6 लाख रुपए देने हैं। अब कंपनी ने कहा कि यार अभी तो पैसा है नहीं, अभी 6 लाख रुपए आपका मैच्योरिटी हो गया है तो कैसे दें। इसी बीच में मैं चौबे साहब के पास पहुंच गया और कहा कि साहब मेरे पास 6 लाख रुपए का कैश है। तो 6 लाख का कैश का क्या किया कि हमने 1-1 लाख रुपए का 6 पर्ची फाड़ दी, पर्ची बना दी और इस प्रकार से हमने डिपॉजिट दिखा दिया और 6 लाख रुपया हमने रख लिया। अब या तो मैं समझा नहीं हूं तो क्या इस विषय में चौबे साहब हमको समझाने की कोशिश करेंगे, एक। और दूसरी जो हमारी आज का हमारा जो दूसरा बिंदु है वो ये कि इसी के माध्यम से क्या ये काम, इसकी जानकारी स्वयं जब सहारा श्री जिंदा थे तो क्या इसकी जानकारी थी कि इस तरह के वारे न्यारे हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा मुझे कि नहीं, इसकी जानकारी सहारा श्री को नहीं थी। सहारा श्री अपने तई कोशिश कर रहे थे कि
हम एक ट्रांसपेरेंट और ईमानदार ऑपरेशन चलाएं। कई लोगों ने मिल करके और उसमें टेरिटरी मैनेजर से लेकर के, इसकी संख्या कम है, मोटे तौर पर कहे तो 100-200 लोगों की होगी या बहुत 500 लोगों की होगी, जहां लाखों के लोग हैं 500 लोगों की होगी। इन लोगों ने मिलकर के ये सारा वारा न्यारा किया है। आज इसी दोनों बिंदु पर हम बातचीत करेंगे। तो पहली बिंदु तो ये है कि ये जो कैश का जो कारोबार था, क्या ये वाकई में ऐसी घटना हुई है? चौबे साहब, नमस्कार। नमस्कार मुकेश जी, नमस्कार। लाइव में जुड़े सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। सर, ऐसी घटनाएं सहारा में पूर्व से होती आ रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है सर। अगर एक जमाकर्ता, चाहे वो 6 लाख रुपए हो या 10 लाख रुपए हो, अगर डिपॉजिट करवाना चाहता है और उसी के समकक्ष अगर किसी का पेमेंट है अन्य डिपॉजिटर का, जिसकी मैच्योरिटी हो चुकी है और मुख्यालय के माध्यम से उसकी एडवाइज आ चुकी है, तो उस पेमेंट को री इन्वेस्ट में दर्शाते हुए वो उसके नाम से फिक्स डिपॉजिट बन जाती है और दूसरी तरफ वो कैश अपने पास रख लेते हैं या उस जमाकर्ता को जिसका मैच्योरिटी हुआ है उसको भुगतान दे दिया जाता है। अगर नियमों की बात करें तो इसमें होता यह है सर कि जिस जमाकर्ता की मैच्योरिटी हुई है और अगर वो री इन्वेस्ट भी करवाता है तो उसमें ब्लड रिलेशन होना बहुत जरूरी है। अगर नियमों की बात करें तो बिना ब्लड रिलेशन के वो री इन्वेस्ट नहीं करवा सकता, यानी अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से अगर वो चाहे तो री इन्वेस्ट करवा सकता है, लेकिन नियमों को ताक में रखते हुए पिछले कई वर्षों से ऐसा होता रहा और जैसा आज आपका विषय है तो वैसा हुआ है सर। और ये ऊपर से नीचे मैनेजमेंट को पूरी तरह से पता, जब ऑडिट होती है उस समय सीए आकर कार्यालयों में वाउचर को भी चेक करते और फॉर्मों को भी चेक करते, क्या उनकी नजर से कोई वाउचर या फॉर्म, ओपनिंग फॉर्म बच सकता है क्या? नहीं बच सकता। लेकिन सब कुछ जानबूझकर यह होता रहा है सर पिछले कई वर्षों से और आज भी हो रहा है। आज देखिए सर, जैसे सहारा स्टार मल्टी स्टार मल्टीपर्पज का जो काम चल रहा है तो वहां क्या हो रहा है? वहां भी तो री इन्वेस्ट तो हो रहा है सर। वहां भी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाकर री इन्वेस्ट ही हो रहा है। और अगर कहीं से भी कोई कैश के माध्यम से अगर इस सहारा स्टार मल्टीपर्पज में कोई डिपॉजिट करवाता है तो कहीं वो कैश से रसीद नहीं कटती है, जहां तक मैं समझता हूं। हाँ, अगर 1% अगर मान लो डिपॉजिट होता होगा तो बात अलग है, नहीं तो वो भी किसी दूसरे का भुगतान निकालते हुए उसके नाम से डिपॉजिट दर्शाया जाता है। जबकि होना ये चाहिए सर कि अगर 20,000 से ऊपर, क्योंकि देखिए सर, अगर फ्रेश एफडीआर कोई अगर मान लो रसीद कटती है तो सहारा का जो सॉफ्टवेयर है वो फ्रेश एफडीआर 19,999 से ऊपर कैश में नहीं लेता। जैसे ही उसमें 20,000 का फॉर्म पंच किया जाता है तो वो सीधा चेक नंबर मांगता है, लेकिन री इन्वेस्ट में वो कितना भी राशि ले सकता है। तो होना ये चाहिए कि कैश के माध्यम से ही उसका अमाउंट लेना चाहिए नए डिपॉजिटर का और पुराने डिपॉजिटर चेक के माध्यम पर ही, चेक के माध्यम से ही लेना चाहिए और चेक के माध्यम से ही उनका भुगतान होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करके हाथों हाथ बंदर बांट करने के लिए ये सारा हो रहा है। जी सर, तो ये आप कह रहे हैं कि सुब्रत राय जी को मालूम थी, ये जानकारी थी? जी, ये पूर्व से कई वर्षों से ये होता रहा है सर। ये आज कोई नया टॉपिक जैसे मान लो नया कोई कारनामा नहीं हुआ है सर, पूर्व में भी ऐसा होता रहा है सर। जी
नहीं तो नियम क्या था कि जो ब्लड रिलेशन वाला है उसी को रीइन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी दूसरे के पैसे को रीइन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं? नहीं सर, जैसे मान लो कि मेरा मैच्यूर हुआ है 5 लाख रुपए, और अगर मैं या तो मेरे स्वयं के नाम से या मेरे ब्लड रिलेशन के नाम से या मेरे परिवार के सदस्यों के नाम से, मैं उन्हीं के नाम से रीइन्वेस्ट करवा सकता हूँ, किसी अन्य के नाम से रीइन्वेस्ट नहीं करवा सकता, नियम यह है, जबकि ऐसा प्राय होता नहीं। नहीं नहीं तो ये जो नियम था, ये नियम किसके द्वारा बनाया गया था? इसमें क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी का गाइडलाइंस है, किसका गाइडलाइंस था, या सहारा ने अपना गाइडलाइंस बनाया था? देखिए सर, इसमें सोसाइटी का भी गाइडलाइन होगा और कहीं ना कहीं सहारा का भी गाइडलाइन था, लेकिन इस गाइडलाइन को कोई मानने वाला नहीं था सर। पूर्व में भी ऐसा होता रहा है और आज भी ये हो रहा है। सतीश जी, अब जरा विस्तार से इस विषय में बताइए। धन्यवाद।